हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एटम। एंड स्टूडेंट्स, इन द लास्ट टू लास्ट एक्सप्रेशन वी फाइंड द एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी आई थी बेटा? -2π² एम के स्केयर, यह आप एक्सप्रेशन नोट करना बेटा, लास्ट वाला के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई एन स्केयर एच स्केयर बेटा, ये आपने लास्ट टाइम किया है। ठीक है, तो ये एनर्जी थी बेटा इलेक्ट्रॉन के इन nth ऑर्बिट में। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम के बारे में हम स्पेक्ट्रल सीरीज निकालेंगे, तो स्पेक्ट्रा क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट है, मान लीजिए जे स्टेट और लोअर स्टेट है उसकी आई एस स्टेट, ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं। तो बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन जे स्टेट से आई स्टेट में जंप करता है तो बेटा मैंने बताया था कि वो एनर्जी एमिट करेगा। कितनी बेटा? एनर्जी ऑफ जे एथ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ आई एथ ऑर्बिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू एच म्यू का इक्वल आएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये सिंपल सी बात नोट कर लीजिए। और इस टाइम जो एनर्जी एमिट होगी, ठीक है, तो जो भी एनर्जी एमिट होगी वो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। तो बेटा वो एनर्जी जो एमिट हुई तो उसे बोल दिया इसने भाई स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रल सीरीज बेटा। ठीक है, तो बेटा देखिए सिंपल सी बात करते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन जेथ ऑर्बिट तो बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू क्या करेंगे, जे पुट कर देंगे, तो एनर्जी ऑफ जेथ ऑर्बिट क्या आएगी बेटा? ई जे इज इक्वल टू -2π² एम के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे एन जे जे लिखा देंगे बेटा बस। ठीक है, जे एथ ऑर्बिट की एनर्जी है बेटा ये, अगर इलेक्ट्रॉन जे एथ ऑर्बिट में है, जे स्टेट में है। अगर इलेक्ट्रॉन आई एथ ऑर्बिट में है तो बेटा सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 एन, यहाँ पे आई स्केयर कर देंगे और एस स्केयर कर देंगे बेटा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट से लोअर स्टेट में सब्ट्रैक्ट जाता है तो ई जे माइनस ई आई कर देते हैं बेटा यहाँ पे, तो बेटा ई जे क्या है -2π² एम के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई एन जे स्केयर एच स्केयर। ओके, हमने माइनस करना बेटा तो माइनस विद माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2π² एम के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई एन आई स्केयर और बेटा एच स्केयर। ठीक है, तो ये ई जे माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा बेटा सिंपल यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन देखते हैं 2π² कॉमन आ जाता है दोनों में, एम के स्केयर भी कॉमन ले लिया मैंने बेटा, जेड स्केयर कॉमन ले लिया, ई रेस टू पावर 4 कॉमन ले लिया बेटा, एच स्केयर भी कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया बेटा 1 बाई एन आई स्केयर माइनस एन जे स्केयर बेटा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका बच जाता है बेटा, एनर्जी और डिफरेंस ई जे माइनस ई आई का डिफरेंस कर लिया बेटा ये। ठीक है, ई जे माइनस ई आई, सिंपल सी बात है, तो ई जे माइनस ई आई। अब बेटा देखिए यहाँ पे ये जो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाईएस्ट स्टेट टू लोअर स्टेट तो बेटा कितनी एनर्जी एमिट करता है आपको पता है, वो एच म्यू एनर्जी के इक्वल, एच म्यू के इक्वल आप वो अपनी एनर्जी एमिट करेगा। तो बेटा ई जे माइनस ई आई को आप एच म्यू रख सकते हो यहाँ पे, हम है ना इस एक्सप्रेशन को बेटा सोल्व कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, तो बेटा अगर अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, तो बेटा अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ई जे माइनस ई आई जब कोई इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, इक्वल टू 1 फोटोन एनर्जी एच म्यू, इधर बेटा 2π² चल रहा है, एम के स्केयर जेड स्केयर ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई एच स्केयर, इधर क्या चल रहा है बेटा 1 बाई एन आई स्केयर माइनस एन जे स्केयर बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। और बेटा सिंपल से अगर बात करें क्योंकि ये म्यू है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एज इट इज रख लीजिए, एच को नीचे ले आइए बेटा, तो अगर आप एच को नीचे लेके आते हो तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच की क्यूब आ जाती है। नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एच की क्यूब कर लीजिए बेटा। ठीक है, एच क्यूब आ जाएगा। अब बेटा देखा जाए सिंपल जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर क्या होता है बेटा, वो 1 बाई लैम्बडा होता है, 1 बाई लैम्बडा होता है। और बेटा सिंपल सी बात करें तो लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू लैम्बडा होता है बेटा, सॉरी कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी बाई सी कर दीजिए तो 1 बाई लैम्बडा आ जाएगा, यानी कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आई है
जो ऊपर ये फ्रीक्वेंसी आई है उसको डिवाइड बाय सी और कर दीजिए, तो आपका वेव नंबर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई। तो यानी कि जो ऊपर वैल्यू आई है उसको सी से डिवाइड कर देंगे, तो 2π² एम के स्केयर जेड स्केयर इरेज टू पावर 4 डिवाइड बाई एच की क्यूब और सी से डिवाइड कर दिया बेटा, 1/ni² - 1/nj² बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये बच जाता है। तो बेटा सिंपल सी बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये सारे पैरामीटर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन से बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के की वैल्यू 1/4πε₀ है, जेड क्या भाई यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 पुट कर देंगे, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पुट कर देंगे, यहाँ पे एच की प्लैक्स कांस्टेंट की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है। तो बेटा जब आप इस सारे पैरामीटर को वैल्यू कर देते हो तो बेटा यहाँ पे है ना रेडबर्ग, यहाँ पे एक वैल्यू आती है बेटा आर एच, इनको सॉल्व करके इस पूरे पैरामीटर को मैं आर एच पुट कर रहा हूँ बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट है ये, क्या ये रेडबर्ग कांस्टेंट, ये जितना भी सारा पैरामीटर बेटा इसको एक मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे आर एच के इक्वल, रेडबर्ग कांस्टेंट है बेटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.09173 × 10⁻⁷, ठीक है भाई, मीटर इनवर्स बेटा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट की। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो बेटा वेव नंबर कितना आ जाएगा आपका, सिंपल आर एच, ठीक है भाई, 1/ni² - 1/nj² बेटा, ये फाइनली एक्सप्रेशन आ गया आपका वेव नंबर का, ठीक है। तो ये आपका वेव नंबर का एक्सप्रेशन आ गया बेटा, सिंपल वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/ni² - ये आपको याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है, दिस फॉर्मूला इंडिकेट दैट जो रेडिएशन एमिटेड है बाय द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी की वेव छूटेगी या जो भी मान ली अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो एनर्जी एमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या उसकी फ्रीक्वेंसी जो एमिट करेगा या वो वेवलेंथ एमिट करेगा बेटा, वो किस पर डिपेंड करता है, क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, n1, ni और nj पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो बेटा यही स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब होता है कि वैन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो बेटा वो पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी एमिट करेगा और या पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ और ठीक है। तो उस टाइम जो एनर्जी एमिट किया या वेवलेंथ जिस वेवलेंथ की उसने एनर्जी लाइट एमिट की है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट किया बेटा उसे उसने क्या बोला है, स्पेक्ट्रल सीरीज बोला है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे 1x1 डिस्कस करते हैं कौन कौन सी सीरीज बनती है बेटा, क्वांटम नंबर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की जे की वैल्यू कितनी है, उसके बेस पे बेटा हमारी बहुत सारी यहाँ पे सीरीज बनेंगी बेटा, वो सीरीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट सीरीज है हमारी लेमैन सीरीज, कौन सी सीरीज है बेटा, लेमैन सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज नेम ऑफ द फर्स्ट सीरीज बेटा लेमैन सीरीज, लिख लेते हैं 1x1 लेमैन सीरीज। तो बेटा लेमैन सीरीज के लिए अगर बात करते हैं तो बेटा लेमैन सीरीज के लिए जो एन आई है यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है वो तो 1 है बेटा, और एन जे की वैल्यू कुछ भी हो सकता है बेटा 2, 3, 4, 5, 6 है जो भी है, ठीक है। तो बेटा एन जे की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है ना बेटा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ सकता है, सिक्स से फर्स्ट में आ सकता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका अपर स्टेट से यानी कि कोई भी अपर स्टेट हो सकती है बट ग्राउंड स्टेट 1 होगी, तो एन आई की वैल्यू अगर 1 है और एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो तो उस टाइम बेटा जो जो आपका वेव एमिट होगी, ठीक है बेटा, उस टाइम जो एनर्जी की जिस वेवलेंथ की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी तो उस टाइम बेटा उस को क्या बोला उसने लेमैन सीरीज। तो ये सीरीज तब बनती है, तो इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल दैट इज 2, 3, 4, 5, 6 टू लोअर एनर्जी लेवल दैट इज इक्वल टू 1 तो वी गेट ए स्पेक्ट्रल लाइन दैट इज गॉड लेमैन सीरीज। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम लेमैन सीरीज बोलेंगे। और बेटा ये लेमैन सीरीज है और बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसने एमिट की वो किस रीजन की है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन की है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छूटेगी बेटा, और यही बात नोट कर लेना, ठीक है। तो कैसे अब इसको सोलो करें तो क्या बन जाएगा बेटा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 λ यहाँ पे, और यह आ जाएगा बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पे बेटा 1 ni की वैल्यू तो 1 का स्केयर और एन जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है, एन जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एन जे की वैल्यू यहाँ पे 2, 3, 4 सो ऑन कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इसको सोलो कर दिया हमने, और बेटा इस जो भी ये वेव नंबर मिट होगा तो किस रीजन में होगा बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि विच टाइप ऑफ फोटोन इज एमिटेड इन लेमैन सीरीज, तो लेमैन सीरीज में किस टाइप का फोटोन एमिट करेगा बेटा, आप होगा यूवी रीजन का, अल्ट्रा वायलेट रीजन का निकलेगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ये भी कह सकता है कि लेमैन सीरीज बिलोंग्स टू
विच रीजन, तो आप कहोगे बेटा यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लेमन सीरीज लाई करती है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सीरीज बेटा। सेकंड सीरीज की बात करते हैं, सेकंड सीरीज है बेटा बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज है बेटा? बाल्मर। फर्स्ट थी लेमन, सेकंड है बेटा बाल्मर सीरीज। तो बेटा बाल्मर सीरीज क्या कहती है? बाल्मर सीरीज कहती है कि बेटा ये सीरीज कब बनेगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपकी ग्राउंड स्टेट है वो एन आई इक्वल टू 2 है बेटा, एन आई की वैल्यू 2 है, और बेटा एन जे की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर सकता है बेटा? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, तो सही फर्स्ट सेकंड वाली में गिरेगा। पहले वाली में तो बेटा फर्स्ट में था। अब बेटा बाल्मर सीरीज में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी कितनी बेटा 2 पे फॉल करता है, तो उस टाइम बेटा जो फोटोन एमिट करेगा वो उस टाइम बेटा जो सीरीज एमिट करेगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एमिट करेगी उसको बोल दिया बेटा बाल्मर सीरीज बेटा। ठीक है, और बेटा ये सीरीज किस में लाई करती है? विजिबल रीजन में लाई करती है। यानी कि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी अपर स्टेट्स हैं उनसे अगर सेकंड स्टेट में फॉल करता है, तो जिस टाइम बेटा वो फोटोन जो मीट होगा वो बेटा यूवी रीजन में ना रह के बेटा विजिबल रीजन में लाई करेगा। तो कई बार एग्जाम में आता है कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन विजिबल रीजन, तो आप कहोगे बेटा बाल्मर सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन बाल्मर विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन विजिबल रीजन, तो आप कहोगे बेटा बाल्मर सीरीज है वो। ठीक है, तो ये इसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो बेटा वेव नंबर क्या आ जाएगा? वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रेट बर कॉन्स्टेंट। यहाँ पे बेटा एन आई की वैल्यू 2 का स्केयर और एन जे स्केयर बेटा, क्योंकि एन जे कुछ भी हो सकता है। एन जे तो आपका बेटा 3, 4, 5, 6 ये कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, और किस रीजन में लाई करेगा बेटा? ये विजिबल रीजन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजिबल रीजन। तो विच रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन विजिबल रीजन, तो आप कहोगे बेटा बाल्मर सीरीज लाई करती है बेटा। ठीक है, और लेमन सीरीज बेटा अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो ये सेकंड सीरीज बन गई बेटा। अब बात करते हैं थर्ड सीरीज की। थर्ड सीरीज कौन सी है बेटा? पाश्चन सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट थी लेमन, सेकंड थी बाल्मर, थर्ड है बेटा पाश्चन सीरीज। तो बेटा पाश्चन सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट वन मिनट बेटा। बाल्मर सीरीज के तो थर्ड क्या है बेटा? थर्ड सीरीज आपकी बेटा पाश्चन सीरीज। ओके, तो बेटा पाश्चन सीरीज के बारे में बात करेंगे अब हम। पाश्चन सीरीज, तो पाश्चन सीरीज के लिए बेटा कंडीशंस क्या रहेंगी? जो ग्राउंड स्टेट है वो 3 रहेगी बेटा, और एक्स एक्सिस स्टेट आपकी क्या रह सकती है? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जो भी है। ठीक है, एन आई की वैल्यू 3 और एक्स एक्सिस स्टेट की वैल्यू 4, 5, 6, 8 जो भी है। तो बेटा इस केस में वेव नंबर क्या बनेगा बेटा? दैट इज 1 लैम्बडा, रेट पर कॉन्स्टेंट 1/3। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का स्केयर कितना हो जाएगा बेटा? 9। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज 3² - nj² बेटा। ठीक है, एन जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ रन करेगी? 4, 5, 6, 7, 8 से शुरू होगी बेटा। ठीक है, और दिस सीरीज लाइज इन विच रीजन बेटा? किस रीजन का फोटोन शूट निकलेगा यहाँ पे? इन्फ्रारेड में। ठीक है, इन्फ्रारेड रीजन में का फोटोन यहाँ पे निकलेगा बेटा। तो जब इलेक्ट्रॉन आपका अपर स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8 जो भी अपर स्टेट्स हैं, लोअर स्टेट्स क्या बेटा आपकी? 3rd। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉल करता है तो बेटा जो फोटोन एमिट होगा वो इन्फ्रारेड रीजन का फोटोन एमिट होगा, और उस सीरीज का नाम क्या बेटा? पाश्चन सीरीज है। ठीक है, और फोर्थ सीरीज क्या बेटा? दैट इज ब्रैकेट सीरीज। अब फोर्थ सीरीज की बात कर लेते हैं, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में देखिए क्या कंडीशंस है। ब्रैकेट सीरीज, तो बेटा ब्रैकेट सीरीज कब बनती है उसके बारे में बात कर लेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप, ठीक है, इनटू, अब यहां पे ni की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 4th, और एन जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? 5th, 6th, 7th, 8th। तो वैन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स 5th, 6th, 7th, 8th टू लोअर ऑर्बिट एन आई इज इक्वल टू 4th, तो बेटा उस टाइम जो एनर्जी एमिट होगी जिस फोटोन की, ठीक है, तो वो किस रीजन में बेटा? वो उस जब वो सीरीज बनेगी वो ब्रैकेट सीरीज बनेगी, और बेटा इस टाइम फोटोन कौन सा होगा बेटा? इन्फ्रारेड रीजन का फोटोन एमिट होगा। वेव नंबर क्या है बेटा? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, दैट इज इक्वल टू
रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 स्केयर माइनस ये हो जाएगा बेटा एन जे स्केयर, और एन जे की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 पर, ठीक है बेटा। तो वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5, 6, 8 अपर ऑर्बिट्स टू लोअर ऑर्बिट कितने बेटा, फोर्थ है ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे फोर्थ है अपर स्टेट्स आपकी कुछ भी हो सकती है। तो इस टाइम बेटा जो रीजन है वो जो सीरीज बनेगी वो ब्रैकेट सीरीज बनेगी, और जो फोटोन एमिट होगा बेटा वो किस रीजन में होगा, वो आई आर यानी कि इन्फ्रारेड रीजन का होगा बेटा। किसका होगा बेटा, इन्फ्रारेड रीजन का, आई आर रीजन, इन्फ्रारेड रीजन, ठीक है बेटा। तो ये था फोर्थ सीरीज, और बेटा लास्ट सीरीज है दैट इज पपी फंड, यानी पफंड सीरीज बोलते हैं उसको बेटा। तो ये लास्ट सीरीज आपकी पफंड सीरीज, तो ये आपकी बेटा पफंड सीरीज, पफंड सीरीज है बेटा। और ये सीरीज कब बनेगी, जब आपकी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी आपकी यहाँ पे बेटा फिफ्थ, और एक्स्ट्रा स्टेट क्या रहेगी बेटा 6, 7, 8, 9 सो है जो भी है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपकी पफंड सीरीज बनेगी, और जो फोटोन एमिट होगा वो भी कहाँ पे लाई करेगा बेटा, वो भी आई आर रीजन में, इन्फ्रारेड रीजन का फोटोन होगा एमिट होगा भाई। और बेटा वेव नंबर क्या बनेगा आपका, 1/λ दैट इज इक्वल टू रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/5 स्केयर माइनस यहाँ पे बेटा एन जे स्केयर, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो एन जे की वैल्यू 6, 7, 8 जो भी हो सकती है। तो आई आर रीजन का फोटोन एमिट करेगा बेटा यहाँ पे। तो इस तरह से बेटा हम हाइड्रोजन एटम में कितनी सीरीज बनी बेटा, 5 सीरीज बनी, लेमेन बाल्मर पासन ब्रैकेट पफंड बेटा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट बोर थ्योरी लाइज इन द फैक्ट दैट इट नॉट ओनली सक्सेस एक्सप्लेन द रेडी नोन सीरीज ऑफ लेमेन बाल्मर एंड पासन बट आल्सो प्रेडिक्टेड टू न्यू सीरीज इन द इन्फ्रारेड रीजन विच वर लेटर डिस्कवर्ड बाय ब्रैकेट एंड पफंड बेटा, ठीक है। तो नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है। तो बेटा इस तरह से सीरीज बनती है हमारी, और अगर हम इसका डायग्राम बनाएं बेटा, हम इसको सभी को इकट्ठा कर सकते हैं एक डायग्राम के अंदर। डायग्राम क्या है बेटा, लाइक दिस वन, ऐसे कर सकते हो डायग्राम में। मान लीजिए ये आपके क्या भाई, ये आपकी एन इज इक्वल टू 1 है ऑर्बिट है, ये आपकी भाई एन इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट है, ये एन इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट है, ये एन इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट है, ये आपकी एन इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट है बेटा, ठीक है, ये आपकी 6th ऑर्बिट है, ठीक है। इस तरह से आपने ऑर्बिट्स दिखाई, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ये 2 है बेटा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है, 6th है, अगर 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 5th से और 6th से, जब भी यानी ग्राउंड स्टेट अगर 1 है तो कौन सी सीरीज बनती है बेटा, लेमेन सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज बनेगी बेटा आपकी, फर्स्ट सीरीज बनेगी लेमेन सीरीज, ठीक है। अब अगर आपका 3rd से 2 में आता है, 4th से भी 2, यानी कि जब भी अपर स्टेट्स तो कुछ भी हो सकती है, बट ये आपके 2 है ग्राउंड स्टेट आपकी, यहाँ पे एन आई की वैल्यू अगर 2 है तो बेटा ये कौन सी सीरीज है, बाल्मर सीरीज, वी सीरीज बेटा बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपर स्टेट से 3rd में आता है बेटा, ग्राउंड स्टेट अगर 3rd हो जाए, एन आई की वैल्यू 3 है बेटा, तो अब कौन सी सीरीज बन जाएगी बेटा, पासन सीरीज बन जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, पासन। अगर 4th में आए भाई, अपर स्टेट से अगर 4th में आए, तो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 4th, अपर स्टेट कुछ भी हो सकती है, तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये ब्रैकेट बन जाएगी बेटा, क्या सीरीज बन जाएगी, ब्रैकेट सीरीज बन जाएगी। और अगर आपका ये आपके एन आई की वैल्यू 4 है, अगर आपके 5th में आए, यानी कि आपके अपर इस तरह से पीछे से आए, लेकिन आपके जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी आ जाए बेटा, 5 है, तो उस लास्ट सीरीज बन जाएगी पफंड सीरीज बेटा, क्या बन जाएगी, पफंड सीरीज। तो इस तरह से बेटा देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट कुछ भी हो और ग्राउंड स्टेट 1 में आए, तो बेटा लेमेन सीरीज बनती है। अगर आपकी ग्राउंड स्टेट 2nd है, 2 है, अपर स्टेट कुछ भी है बेटा, तो बेलमेन सीरीज बनती है। अगर आपकी ग्राउंड स्टेट 3 है बेटा, अपर स्टेट कुछ भी है बेटा, तो पासन सीरीज बनती है। अगर आपकी ग्राउंड स्टेट 4th है बेटा, और अपर स्टेट कुछ भी हो सकती है, तो ब्रैकेट सीरीज बनती है बेटा। और बेटा अगर ग्राउंड स्टेट आपकी 5th है, अपर स्टेट आपकी कुछ भी है बेटा, तो क्या बनती है, लास्ट है, पफंड सीरीज बनती है। तो इस तरह से बेटा आपकी सीरीज बनती है। लेमेन सीरीज में आपका यूवी फोटोन निकलता है, बाल्मर सीरीज में आपका विजिबल फोटोन निकलता है, पासन में, ब्रैकेट में, पफंड में बेटा आईआर फोटोन निकलता है बेटा। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात की बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।